ईश्वर महादेव की, राजिम भक्तिन माता की, राजिम भक्तिन माता की, राजिम कुंभ कल्प की, राजिम कुंभ कल्प की। आज माता कौशल्या की धरती भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का ये प्रयागराज राजिम कुंभ कल्प के इस महा आयोजन में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान जिनका आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा, ऐसे महान कथावाचक पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी मंच में विराजमान, सभी संतवृंद, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और इस कुंभ को फिर से पुनर्जीवित करके इस भव्य रूप में जिसका हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, ऐसे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू जी, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और इस राजिम कुंभ कल्प में पूरे छत्तीसगढ़ से पधारे सभी धर्म प्रेमी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथी और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को राजिम कुंभ कल्प की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको मातृशोक हुआ है इसलिए मंच पर नहीं है, नीचे हैं। मैं माता श्री को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो राजिम कुंभ जो हमारी सरकार में इसका शुभारंभ हुआ डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में, और उस समय भी धर्मस्व मंत्री के रूप में बृजमोहन जी काम कर रहे थे और उन्होंने विशेष प्रयास करके इस राजिम कुंभ कल्प की पहचान पूरे देश में दिलाई, इस राजिम को पूरे देश में विख्यात किया। पिछले 5 वर्षों में जरूर इसका स्वरूप कुछ बिगड़ गया था, लेकिन फिर भगवान राजू लोचन और कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिला, हम लोग फिर सरकार में लौटे और भारी बहुमत के साथ लौटे और फिर से बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में तैनात हुए, धर्मस्व विभाग उनके पास आया। तो आज ये जो स्वरूप देख रहे हैं, राजीव लोचन महाराज जी बोल रहे थे कि पिछले वर्षों जब हम लोगों की सरकार थी उसकी तुलना में भी इस साल 10 गुना भव्यता इस राजिम कुंभ का है। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री के नाते हमारे धर्मस्व मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
वैसे उनमें इतनी काबिलियत है कि कोई भी उनको मंत्रालय दे दिया जाए उसमें जान डाल देते हैं। और हम लोगों को बहुत संतों का आशीर्वाद मिला है, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे नेताओं का भी आशीर्वाद मिला है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार को मात्र 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उनकी गारंटी पर विश्वास किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। और मोदी जी ने जितना वादा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का कदम चल चुका है। हम लोग 2.5 महीने में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में दे चुके हैं, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद चुके हैं, इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है, 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात किए हैं, समर्थन मूल्य हमारे अन्नदाताओं को मिल चुका है। और ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि बहुत जल्दी जो अंतर की राशि है 917 रुपए प्रति क्विंटल, 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं, 13,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अंतर की राशि है, चुनाव घोषणा होने के पहले उनके खातों में हम लोग भेजने का काम करेंगे। आज ये सब ज्यादा कहने का ये अवसर नहीं है, लेकिन हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि महतारी बंधन योजना की बात थी, जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको साल में 12,000 रुपया देने का, ये काम भी हम चुनाव घोषणा के पहले करने वाले हैं। 70,14,000 माता बहनों का फार्म वैध पाया गया है और उनके खातों में हम लोग चुनाव के पहले महतारी बंधन योजना का पैसा भेजने वाले हैं। और ये अफवाह कहीं कहीं फैलाया जा रहा है कि जो फार्म भरे नहीं है उनको महतारी बंधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि योजना के रूप में लागू हो रही है, सतत चलने वाला है। जो भी पात्र विवाहित महिलाएं होंगी वो आगे भी फार्म भर के महतारी बंधन योजना का लाभ ले सकेंगी। और आने वाले 5 साल में जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उस एक एक वादा को पूरा करेंगे। और एक मोदी की गारंटी में एक रामलला दर्शन योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों का वादा है। और गौरव के साथ हम बताना चाहते हैं कि कल से इसका शुभारंभ हो रहा है, कल रायपुर से पहला ट्रेन रामलला दर्शन योजना का जाने वाला है। छत्तीसगढ़ की सरकार सभी राम भक्तों को सरकारी खर्चे पर हमारे जो भांजा अयोध्या के मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं भगवान राम, उनका दर्शन करा के लाने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और ज्यादा नहीं बोलते हुए आगे इस राजिम कुंभ कल्प की भव्यता और बढ़े, आप सब लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए, और हम सभी लोगों को संतों का आशीर्वाद मिले, भगवान राजीव लोचन का आशीर्वाद मिले, कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिले कि जो दायित्व हम लोगों को मिला है छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरने का, उनके दुख दर्दों को दूर कर सकें, छत्तीसगढ़ को विकास के दृष्टि से और आगे बढ़ा के ले जाएं, छत्तीसगढ़ में सुख हो, समृद्धि हो, ये सब करने में हमारी सरकार, हम सब लोग सफल हों, ये हमारे सभी संतगण
आशीर्वाद दें, ऐसा सभी संतों से मैं उम्मीद करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की।